जो स्टोरी मैं पिछले ट्यूटोरियल्स में आपको बताता हुआ आया हूँ, ये मेरी अपनी बनाई हुई स्टोरी थी जिसके थ्रू मुझे आपको बिजनेस इंटेलिजेंट टूल्स का एक आइडिया देना था कि बिजनेस इंटेलिजेंट टूल्स किस तरह और कहाँ यूज़ होते हैं। मेरे पास ऐसा कोई डेटाबेस मौजूद नहीं है, लेकिन मैंने रिसर्च की और मैं ये चाहता था कि कुछ इस तरह का डेटाबेस मुझे मिल जाए जिसके थ्रू मैं आप लोगों को डैशबोर्डिंग सिखा सकूँ टैबल्यू। काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैं एक चैनल पे पहुंचा जिसका नाम था कोड बेसिक्स। मुझे इनका नाम नहीं पता जो ये मेंटोर हैं, जो ये इस चैनल पे सिखा रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के लेसन्स देते हैं। मैं इनका फ़ैन हो चुका हूं और मैंने ये तकरीबन 3 से 4 दिन पहले ये एक्सप्लोर किया ये चैनल, और अब तक मैं इनकी तकरीबन 40% वीडियोज़ देख चुका हूं। डीप लर्निंग पे मैं अभी नहीं गया, मैं डीप लर्निंग पे भी जाऊंगा। इनकी वीडियोज़ ज़रूर देखें, इनकी वीडियोस देखें, सब्सक्राइब करें इन्हें, और अगर आप चाहते हैं कि आप सिंपल तरीके से चीज़ों को लर्न करना चाहते हैं, आप इनके चैनल पे ज़रूर जाएं। इनकी एक प्लेलिस्ट है डेटा एनालिसिस या सेल्स इनसाइट्स पावर बीआई प्रोजेक्ट, और इसके अंदर इन्होंने बताया है कि किस तरह से इनके पास एक कंपनी का डेटाबेस इन्हें मिला जो कि हार्डवेयर डिस्ट्रीब्यूट करती थी ऑल ओवर इंडिया और प्लस एक आध दो कंट्रीज और थी, शायद यूएसए थी, और किस तरह से इन्होंने उस डेटा को उठाया, उसे प्रोसेसेस से गुजारा और उसके बाद इसकी पावर बीआई पे डैशबोर्डिंग की। तो मेरे पास डेटाबेस एज सच मौजूद नहीं था, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना इसी डेटाबेस को उठाया जाए जो इनके पास है, सेल्स का डेटाबेस, और उस डेटाबेस को मैं उठा के इसके ऊपर तमाम प्रोसेसेस अप्लाई करने के बाद टैबल्यू के ऊपर डैशबोर्ड बनाऊंगा, और ये सारे प्रोसेसेस मैं वीडियोस के थ्रू आप तक पहुंचाता रहूंगा। इनके गिटहब पेज पे भी हम जाएंगे, इनके गिटहब पेज के ऊपर जो क्यूरीज़ लिखी हुई हैं उन क्यूरीज़ को भी हम एग्जीक्यूट करेंगे और उसी तरह डेटा क्लीन करेंगे जिस तरह इन्होंने किया, कुछ डिफरेंट मेथड्स के साथ, कुछ डिफरेंट इंसाइट्स के साथ और कुछ डिफरेंट टूल्स के साथ। जैसा कि इन्होंने पावर बीआई यूज़ किया, पावर बीआई के अंदर क्यूरीज़ का एक अलग से पैनल है, उसके अंदर जाके वो पावर क्यूरीज़ रन करते हैं। टैबल्यू के अंदर ऐसा कौन सा पैनल है या किस तरह से वो एग्जीक्यूट होती हैं, डेटा क्लीनिंग किस तरह होती है, ETL किस तरह परफॉर्म होता है, ये हम देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।